मकर संक्रांति स्पेशल चल रहा है, आई थिंक कुछ पतंग की कंपटीशन हो रही है ध्रुव सूर्य प्रताप के बीच, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? क्या हो रहा है ना, इन लोगों के बीच में एक अलग टशन है, लड़ाई है शौर्य को लेकर, बट वो इनडायरेक्टली वो कोशिशें ऐसी ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं, जैसे कि मकर संक्रांति में ये जो पतंग उड़ाना हो गया, ये वाला एक चैलेंज हो गया, फिर उससे पहले एक शतरंज का चैलेंज है, वो अब आप देखोगे आने वाले एपिसोड में। सो वो इनडायरेक्टली एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे शतरंज में रानी को बचा रहे थे वो, इधर शौर्य को शौर्य के सामने दिखाना है कि मैं जीत सकता हूँ, तो दोनों एक दूसरे को यू नो प्रूव करने में लगे हुए हैं। और ऐसे ऐसे आने वाले एपिसोड में आपको और कुछ भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ऑफकोर्स आपको मज़ा आएगा। वेल लास्टली, सूर्य प्रताप गिर चुके हैं एग्जैक्टली, कुछ ध्रुव की तो ये चाल शायद हो सकती है या फिर किसी और की चाल है, किस तरह से या फिर एग्जैक्टली क्या हुआ है सूर्य प्रताप को? जी ही कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं, इनोसेंट दिखा रहे हैं, बट लेट्स सी, क्योंकि ध्रुव तो ऐसे किसी को हार्म नहीं कर सकते जितना हम ध्रुव को जानते हैं। देखो हार्म तीनों लोग अच्छे हैं, तारा, सूर्य प्रताप और ध्रुव, बट क्या होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं अपनाने के लिए मतलब हासिल करने के लिए। कभी कभी कुछ लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, कुछ लोग सही रास्ते पर रहते हैं, सही रास्ते पर वक्त लगता है, गलत चीज़ें कभी कभी गलत रास्तों पर चलकर जल्दी मिल जाती हैं लेकिन वो आने वाले समय में बहुत हानि पहुँचाती हैं। सो वही सूर्य प्रताप जी भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट आई डोंट नो आगे की स्क्रिप्ट में क्या लिखे, बट ऑफकोर्स कुछ अच्छा ही होगा, एक अच्छा ही ट्विस्ट होगा, ड्रामा अच्छा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और ऐसे हमें भी सीन्स करके अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें वेरिएशन होती हैं।